बैंक की अपडे तोड़ दिए मैंने तुम्हारी कोचिंग की फीस हो जाएगी इससे और बाकी के खर्चों के लिए ये यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना जरूरी नहीं है अपने सपनों का बोझ अपनों पर डाल। अब दिल्ली मत चल भीड़ नहीं। के पीछे मत चल तू शेर नहीं तू सपा शेर अपनी पारी करते हर चल दिल्ली चल दिल्ली मत चल दिल्ली मत चल दिल्ली मत चल दिल्ली मचल दिल्ली मत चल दिल्ली जाने वाले थे ना तैयारी तो के लिए जब यूपीएससी के सारे सुपर टीचर्स खुद मेरे पास आ रहे हैं, दिल्ली को जाना दम पे जीतेगा तुझे रोक सकेगी, क्या दिल्ली? तुझे सकेगी क्या दिल्ली? तुझे नाम आत्मा तो जो कोई भी ये क्राइटेरिया मीट कर लेता है उसे सिटीजनशिप डिसेंट मिल जाएगी एनी डाउट चलिए आगे बढ़ते हैं फिर सिटीजनशिप देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है इसीलिए है क्योंकि लास्ट ईयर के यूपीएससी एग्जाम में 20 नंबर का आया था ये हाउ मिनिमाशन तोड़ ढल दिली मचल, दिली मचल। दिली मचल। दिली मचल। बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और आज हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बीच हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल कोचिंग क्लासेस को रिजेक्ट करने का फैसला ले लिया है इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ अब होगी यूपीएससी क्रैक डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप हेलो दोस्तों नमस्ते आदाब सस्काल आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट पे स्वागत करता है तो दोस्तों एक बार फिर से हो जाइए तैयार क्योंकि आज हमें फिर से करना है क्या जीके का जगराता जहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों सौ प्रश्नों का तांडव तो सभी लोग फटाफट से एक बार तैयार हो जाएंगे और हाँ जी सभी को गुड इवनिंग भर भर के प्रशांत प्रशांत रितिका गौरव सभी को भाई गुड इवनिंग और दोस्तों एक बार शेयर कर देंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ सके और यहाँ पे क्या कर सके सौ प्रश्नों का तांडव जहां पर हम तो क्या करते हैं सौ प्रश्न करते हैं और आपको आखिरी में बताना होता है भाई कितने यहाँ पे आपके जो सवाल थे उनके जवाब सही हुए हैं तो सभी लोग बताएंगे एट लास्ट कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हुए दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसलिए आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है 10 से 13 मई जहाँ पर आपके लिए ऑफर है आईपीएल फ्रेंजी सेल जहां पर दोस्तों पांच लकी विनर को हर रोज दोस्तों जीत सकते हैं क्या आई का टिकट और वो भी दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ मतलब तीन में आपको बारह महीने के पास के साथ आपको मिल सकता है एक आई मिलेगा टिकट और इसमें भी आप डिस्काउंट जीत सकते हैं और डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग कोड गैम पास जी ए एम पी ए एस एस इस कोड को यूज करते ही दोस्तों आपको इंस्टेंट 10 परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा चलिए पढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन इन द लोकसभा हैज ऑलवेज बीन लोअर देन भारत में लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत हमेशा डैश से कम रहा है जल्दी से बताएंगे पांच सात चार और पंद्रह दोस्तों आपने पता है एंशियंट हिस्ट्री मिडाइवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली है ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी आज पॉलिटी सौ प्रश्न का तांडव फटाफट से बताएंगे क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए यहां पे डी कह रहे हैं हर्ष सिंटू पंद्रह कह रहे हैं प्रिंस पंद्रह कह रहे हैं ऋतिका पंद्रह तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिशियल लैंग्वेज इन आर्टिकल 343 टू डैश आपको बताना है भारत के संविधान का भाग 17 अनुच्छेद तीन से डैश तक आधिकारिक अधि, भाषा से संबंधित है 352, 349, 351 और 356. जल्दी से बताएंगे यहाँ पे फटाफट फड़ से जल्दी से यहाँ पे कह रहे थ्री फिफ्टी टू कह रहे हैं सुमित थ्री फिफ्टी वन हर्ष जा रहे हैं प्रसन्न जी थ्री फिफ्टी वन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन ओके जो भी यहाँ पे थ्री फिफ्टी टू के साथ जा रहे हैं वो दोस्तों बिल्कुल गलत है यहाँ पे सही आंसर है थ्री फिफ्टी वन ऑप्शन नंबर थ्री चले आगे की तरफ अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द म्यूनिस्पैलिटीज भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है टेंथ ट्वेल्थ नाइन्थ और इलेवेंथ दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे हमें साठ मिनट में सौ क्वेश्चन करने हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकें क्वेश्चनों का और आपको पता है यहाँ पर एग्जाम अब आपके करीब आ चुका है सीएचएसएल का और ये सारे एग्जाम को हम लेकर कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग बताएंगे ट्वेल, 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 तो दोस्तों पे ट्वेल्थ आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू ट्वेल्थ दोस्तों कौन से अमेंडमेंट से आया था सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट से आया था या सेवेंटी फोर्थ सेवेंटी फोर्थ से आया था म्यूनसिपैलिटी की बात हो रही है ठीक है सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ वाज़ नॉट द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था डॉक्टर जाकिर हुसैन जस्टिस हिदायतुल्ला बी डी जट्टी या वीवी गिरी फटाफट फड़ से दोस्तों यहाँ पे कौन से ऐसे आपके प्रेसिडेंट रहे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं है नहीं रहे कभी फटाफट फड़ बताइए यहाँ पे कह रहे हैं सर बी डी जट्टी कह रहे हैं

ऐसा डैश उदाहरण है उदाहरण प्रदान करता है जब राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करता है पांच चार तीन और दो जल्दी बता फड़ से बताइए कितने उदाहरण है फटाफट से यहाँ पे कह रहे सर ए ऑप्शन मतलब पांच उदाहरण है यहां पे कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे सर चार होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है दो यहाँ पे दो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जयश्री ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है वेरी गुड जयश्री ऑप्शन नंबर फोर जो भी कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है सूरज अभिजीत निशा सूरज चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आप सामने ये रहा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इम्पीड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जाता है आर्टिकल छिहत्तर आर्टिकल सेवेंटी नाइन आर्टिकल फिफ्टी सिक्स एंड सिक्सटी वन या फिर आर्टिकल पचहत्तर फटाफट फड़ से बताइए दोस्तों यहाँ पे किस आर्टिकल के तहत यहाँ पे क्या किया जाता है राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जाता है सठ इकसठ एकसठ यहाँ इकसठ कह रहे हैं यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल। यहां पे दोस्तों, आपको पता है, चलाना है तो आपको पचास बंदों की मतलब पचास लोगों की क्या करनी होगी सहमति चाहिए होगी और उसको पहले आपको प्रेसिडेंट को फोर्टीन डेज प्रायर बताना होगा कि आप पे हम महाभियोग चलाने वाले हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ इन विच ईयर वॉज अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड इन श्रीलंका क्रिएटिंग द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पब्लिक ऑफ श्रीलंका श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान किस वर्ष अपनाया गया था दोस्तों फटाफट से पड़ोसी देश उन्नीस सौ अठहत्तर में उन्नीस सौ पैंसठ में उन्नीस सौ अस्सी में या उन्नीस सौ बयासी में जल्दी से बताइए यहाँ पे कह रहे हैं उन्नीस सौ अस्सी कह रहे हैं सूरज बाकी लोग क्या कहते हैं प्रिंस कह रहे सर 1978 प्रसन्न जी सी के साथ जा रहे हैं, मतलब 1980 यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 1978 क्या होगा 1978 में अपनाया था यहाँ पे श्रीलंका ने ठीक है 78 यहाँ पे बिल्कुल गीतांजलि बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आप सामने द कमेटी व्हिच रिकमेंडेड दैट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड वाज जिस समिति ने सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए अशोक मेहता कमिटी एलम सिंघवी कमिटी या जीवी की राव फटाफट से बताएंगे यहाँ पे और दोस्तों एक बार फटाफट से जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया एक बार शेयर करेंगे। और क्या करेंगे लाइक करेंगे फटाफट से यहां पे कह रहे सर ऑप्शन होना चाहिए ए ऑप्शन तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर थ्री एल एम सिंघवी कमिटी दोस्तों अशोक मेहता कमिटी नहीं थी वो एल एम चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन भारतीय संघ की संरचना निम्नलिखित में से किस राष्ट्र पर आधारित है यूएसए कनाडा जापान और यूके जल्दी से बताएंगे फटाफट फड़ से कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों जल्दी से फटाफट से यहाँ पे आ रहा है सर यूके कुछ लोग कह रहे हैं सर कनाडा यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा कनाडा कनाडा से क्या लिया गया है दोस्तों फेडरल सिस्टम क्या लिया गया दोस्तों फेडरल सिस्टम लिया गया है ठीक है आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग पेयर आपके सामने एक तरफ आर्टिकल दिए हुए हैं दूसरी तरफ उसके प्रोविजंस दिए हुए हैं आपको करेक्टली बताना है कौन सा है यहाँ पे आर्टिकल चौदह इक्वेलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल सत्रह अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल अठारह ऑफ टाइटल आर्टिकल इक्कीस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बताइए कौन सा है एंड एंड या one, two, three and four?

French Constitution, Canadian Constitution, British या जर्मन सिस्टम दोस्तों यहाँ पर अभी हम 156 लोग हैं, लेकिन सिर्फ 42 ऐसा क्यों फटाफट से लाइक कर देते हैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे कह रहे हैं सर कनाडा होना चाहिए कनाडा कनाडा तो कुछ लोग ब्रिटिश कह रहे है। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है the Canadian system. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ द प्रपोजल फॉर फार्मिंग सॉरी फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज मेड बाय एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा बनाया गया साइमन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्नीस क्रिप्स मिशन या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन जल्दी से बताएंगे फटाफट फड़ से दोस्तों यहां पे सी ऑप्शन कह रहे हैं कुछ लोग बी ऑप्शन कह रहे दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे क्रिप्स मिशन होगा क्या होगा, क्या होगा? क्रिप्स मिशन ठीक है सी ऑप्शन आगे बढ़े वेरी गुड प्रसन्नजीत ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा राइट टू फ्रीडम इज इन द आर्टिकल कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है 11, 21, 19 या 15 फटाफट फड़ से बताएंगे राइट टू फ्रीडम की बात की गई है दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था फटाफट फड़ से दोस्तों गलती नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना है दोस्तों कॉन्फिडेंस तभी हो पाएगा यहाँ पे साठ मिनट में सो क्वेश्चन वो भी करेक्ट आर्टिकल उन्नीस 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 दोस्तों तो किससे किससे है है दोस्तों भैया भैया सिटीजनशिप सिटीजनशिप से ये के अंतर्गत आता है आर्टिकल इक्कीस राइट टू तो फ्रीडम पंद्रह किसकी बात करता है दोस्तों आर्टिकल पंद्रह पे तो मूवी भी बनी थी आयुष्मान खुराना ने किया था जल्दी से बताइए ये क्या कहता है भाई डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ वो नहीं करना है हमें ठीक है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ अगला क्वेश्चन पार्ट 15 ऑफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डील्स विद भैया भारत के संविधान का यहां पे भाग पंद्रवा संबंधित है किससे ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी प्रोविजन या इलेक्शन यहाँ पे कह रहे हैं ठीक है हाँ जी बिल्कुल यहाँ पे प्रसन्नजीत कह रहे हैं सर डी होना चाहिए इलेक्शन के साथ जा रहे हैं बाकी लोग इलेक्शन 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 तो जी हाँ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर इलेक्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों आपको पता है दोस्तों इलेक्शन कमीशन थ्री ट्वेंटी फोर आर्टिकल आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर और हम किस आर्टिकल के तहत वोट करते हैं दोस्तों अपन वोट करते हैं थ्री ट्वेंटी सिक्स आर्टिकल के तहत ठीक है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है एक तिहाई, एक, आ, वन 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 जल्दी से बताइए हाँ जी शिंटू जी बिल्कुल करेक्ट है माय एम कह रहे सर वन बाय सिक्स होना चाहिए प्रसन्न कह रहे सर वन बाय थ्री पीहू कह रहे सर वन बाय सिक्स नीता ट्वेल्व यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों है क्या दोस्तों six, याद दोस्तों याद रखिए लेजिस्लेटिव में, लेजिस्लेटिव में हो और होगी फटाफट से बताइए जल्दी से कितनी हो सकती है यहाँ पे मिनिमम सीट और मैक्सिमम सीट हाँ जी धीरेन्द्र यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर सही है हाँ जी यहाँ पे बहुत बढ़िया भैया यहाँ पे सिक्सटी दोस्तों मिनिमम वेरी गुड मिनिमम सिक्सटी हो सकती है और मैक्सिमम फाइव हंड्रेड ठीक है यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन भी है जैसे गोवा एक्सेप्शन है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हु द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में के अध्यक्ष कौन थे बी आर अम्बेडकर राजेंद्र प्रसाद जी वी मावलंकर या फिर एच सी मुखर्जी फटाफट -फड़ से बताएंगे दोस्तों यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी

वाइस क्या थे President थे प्रेसिडेंट याद है ना जब यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट क्या बना दिया गया था प्रेसिडेंट बना दिया गया था तो इनको क्या बना दिया गया था वाइस प्रेसिडेंट ठीक है हाँ जी यहाँ पे उन्नीस सौ सैतालीस वेरी गुड उन्तीस अगस्त यहाँ पे उन्नीस सौ सैतालीस आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बीच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट आपको बताना है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के लिए राज आयोग से की तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन दोस्तों आर्टिकल 280 में है लेकिन यहाँ पे बात किया गया है किसकी स्टेट की बात की गई है तो फटाफट से बताएंगे टू आई 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 तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है ठीक है है आगे बढ़े नहीं नहीं दोस्तों कई लोग 243 A कह रहे हैं होगा 243 I होगा अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था उन्नीस सौ चौवन में उन्नीस सौ पचास में उन्नीस सौ छप्पन में या 1958 अंठावन में फटाफट से और दोस्तों यहाँ पे अभी हम 230 लोग लाइव हैं लेकिन लाइक सिर्फ और सिर्फ 88 ऐसा क्यों फटाफट से इसको के ऊपर लेके चलते हैं यहाँ पे कह है सर मंदीप इसका करेक्ट आंसर ठीक है एम, आ, 1956, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हुई प्रपोज दूस असेंबली फर्स्ट इन नाइन थर्टी निम्नलिखित में से किसी ने उन्नीस में सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव दिया था जेपी नारायण ने, ने जल्दी से बताएंगे दिया था दिया था? का सभी को बताना है यहाँ एम एन रॉय तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा एम एन रॉय यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्या दोस्तों एम एन रॉय और दोस्तों एडवाइजर कौन था दोस्तों से बताइए राव थे क्या दोस्तों बी एन राव राव करेक्ट है दोस्तों कंफर्म करिए और चलते आगे अगला प्रश्न ने भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं को जोड़ा ते नाइन ए टेन इलेवन ए और ट्वेल्व जल्दी से बताएंगे यहां पे कह रहे सर नाइन ए होना चाहिए एम पीहू प्रिंस गिरीश Animesh, राहुल

दोस्तों फटाफट फड़ से और आपको आखिरी में बताना है कि आपने सौ में से कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों सभी लोग जब ये वीडियो खत्म मतलब क्लास खत्म होगी क्या करेंगे कमेंट में यहाँ पे जाके मेंशन करेंगे कितने सही हुए हैं 101 101 दोस्तों ये 101 तो ठीक है लेकिन ये कौन सा बिल था दोस्तों जल्दी से बताइए कौन सा बिल था एक था एक था, था कौन सा था जल्दी से बताइए फटाफट फड़ से कौन सा बिल था जल्दी एक सौ बाईसवां एक सौ बाईसवां कह रहे हैं प्रिंस एक सौ बाईसवां ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आ, आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए पचहत्तर सौ पचास और डेढ़ सौ जल्दी से बताइए यहाँ पे कह रहे हैं सर फिफ्टी होना चाहिए राहुल कह रहे हैं प्रसन्नजीत कह रहे सर फिफ्टी पचहत्तर नहीं है दोस्तों पचहत्तर नहीं है यहाँ पे पचास 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 तो दोस्तों पे करेक्ट आंसर क्या है मेंबर की आपको दोस्तों आवश्यकता होती है और दोस्तों नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास नहीं हो पाया तो क्या होगी सरकार गिर जाएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिसीव्स अ सैलरी भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक को डैश वेतन मिलता है क्वल टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इक्वल टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इक्वल टू दैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हाँ जी गवर्नमेंट को डिजोल्व करना पड़ जाता है भैया जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता है ठीक है यहाँ पे कह रहे सर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए कुछ लोग वन कह रहे हैं ठीक है यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों करेक्ट क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा भैया इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इनके बराबर इनको सैलरी दी जाती है कैक को दोस्तों कैक कौन से आर्टिकल में दोस्तों आर्टिकल 148 148 किसमें में है किस में है? में है ठीक है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ अगला हु अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन इंडिया भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस या लॉ मिनिस्टर दोस्तों एक बार फटाफट फड़ से क्या करना है सभी लोगों को शेयर करना है और यहाँ पे सौ प्रश्नों का तांडव दोस्तों बहुत जल्दी करना होगा आपको सौ प्रश्न स्पीड बढ़ानी होगी और कॉन्फिडेंस के साथ एक्यूरेसी के साथ आंसर करना होगा गैस मत करिए क्योंकि समय अब कम है यहां पे सभी लोग कह रहे सर

ठीक है आर्टिकल वन टू थ्री अध्यादेश जारी ठीक है ऑर्डिनेंस अगला प्रश्न हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया है वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बी राव और यहाँ पे जे नेहरू यहाँ पे फटाफट फड़ से बताएंगे दोस्तों रामनाथ कोविंद अच्छा इसका बी एन राव बी एन राव क्या बात है ठोक के सभी लोगों ने आंसर दे दिया बी एन राव यहाँ पे करेक्ट आंसर है भैया बी एन राव एडवाइजरी के लिए थे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ विच ऑफ दॉटी सिस्टम इन इंडिया यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चुनाव निर्वाचन प्रणाली से विशेषता नहीं है यूनिवर्सल फ्रांचाइजी सीक्रेट वोटिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द लेजिस्लेचर फॉर द में शेड्यूल कास्ट इन द शेड्यूल ट्राइब कॉम्युनल इलेक्ट्रोइ जल्दी से बताएंगे यहां पे कह रहे सर ऑप्शन नंबर टू होना चाहिए सीक्रेट वोटिंग दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर दोस्तों यहां पे ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पे करेक्ट है अमृत यहां पे करेक्ट आंसर दे रहे हैं देवांशु ने करेक्ट आंसर दिया है निशा ने करेक्ट दिया है वेरी गुड बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आपके सामने हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भैया पे निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जल्दी से बताएंगे बहुत सिंपल सा सवाल और अभी आपके कौन है वेंकैया नायडू जी हैं तो दोस्तों वेंकैया नायडू जी कौन है वो अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं ठीक है तो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अच्छा बताइए कौन से आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा महासभापति कहते हैं या फिर सभापति जो होगा राज्यसभा का होगा जल्दी से बताइए किस आर्टिकल में कहा गया है क्या वो आर्टिकल इकसठ है तिरसठ है या चौसठ है चौसठ कह रहे हैं यहां प्रसन्नजीत बाकी लोग क्या कहते हैं प्रिंस कह रहे सर सिक्सटी फोर होना चाहिए ओके तो यहां करेक्ट आंसर होगा हो जो कहता है कि भैया वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होंगे ठीक है अगला प्रश्न कौन बुलाता है सरपंच बुलाते हैंटरी ऑफ द ग्राम सभा सेक्रेटरी ऑफ दिलेज पंचायत या डिप्यूटी सरपंच लाइव है लेकिन लाइव सिर्फ वन थ्री एट फटाफट से डबल सेंचुरी मारते हैं यहाँ पे एप्शन कह रहे हैं ए ऑप्शन तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग टू कह रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे थ्री करेक्ट है सेक्रेटरी ऑफ द विलेज पंचायत दोस्तों कौन बुलाता है सेक्रेटरी ऑफ विलेज पंचायत थ्री ऑप्शन करेक्ट है थर्ड ऑप्शन ठीक है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा पार्ट ऑफ 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 द द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वेलफेयर आपको बताना है भारत के संविधान का कौन सा भाग आदर्श कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है प्रियम्बल सेवेंथ शेड्यूल फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फटाफट बताएंगे यहाँ पे कह रहे, है सर, DPSP, DPSP, Policy, कह रहे हैं सर डीपीएसपी डीपीएसपी पी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोस्तों करेक्ट आंसर डीपीएसपी है दोस्तों डीपीएसपी कौन से भाग में है पार्ट फोर में है किसमें है पार्ट फोर में है कौन से आर्टिकल से छत्तीस से कहां तक है दोस्तों आर्टिकल इक्यावन तक है कहां से लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है कहां से आयरलैंड से और आयरलैंड ने कहा से लिया दोस्तों स्पेन से चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आप सामने विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है त्रिपुरा मिजोरम आसाम या सिक्किम फटाफट से वेरी गुड प्रसन्नजीत संजीवनी ऋतुराज एम बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पे सिक्किम आसम कह रहे हैं कुछ लोग तो दोस्तों असम तो आता है कौन नहीं आता सिक्किम 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 ऑप्शन नंबर डी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों हमने कैसे याद किया था आमी मेत्री आमी मेत्री यही याद किया था ना आ से आसम ठीक है क्या असम मी से मिजोरम मे से मेघालय त्री से त्रिपुरा दोस्तों ये चारों आते हैं ठीक है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा अमंग द डेमोक्रेटिक कंट्रीज

बताइए इनमें से किसका संविधान लिखित में ही नहीं है फटाफट फड़ से बताइए जल्दी से देखते हैं किसको पता है हाँ जी इंडिया सही है यहाँ पे लेकिन किसका लिखित ही नहीं है ये कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर यूके का लिखित नहीं है तो बहुत बढ़िया दोस्तों यूके का लिखित नहीं है ठीक है यूके का लिखित नहीं है ये याद रखेगा और सबसे छोटा किसका है दोस्तों अमेरिका का लिखित जो है

अच्छा मिशन मिशन ठीक है ऑप्शन नंबर ए ए ए तो बहुत बढ़िया दोस्तों पूजा ऋतिकाश दिव्या एम दिनेश संजीवनी बहुत बढ़िया दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कैबिनेट उन्नीस सौ छियालीस ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ वट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवान्वित की आयु कितनी होती है बासठ साठ अंठावन और पैंसठ जल्दी से बताइए कितनी होती भैया रिटायरमेंट एज यहाँ पे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी बहुत बढ़िया दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया और दोस्तों हाई कोर्ट की कितनी होती है हाई कोर्ट जज की चलिए अभी तो आपने बता दिया हाई कोर्ट जज बताइए फटाफट से सुप्रीम कोर्ट की तो पैंसठ कोर्ट की क्या पैंसठ है बासठ है साठ है अंठावन है जल्दी बताइए बासाद, 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 बहुत बढ़िया। जो है है? के के लिए लिए होगी कितनी दोस्तों ठीक अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के अधिकारों के सीमांकन करती है जो कि संघ सूची राज्य सूची संवर्ती सूची थर्ड शेड्यूल शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल फटाफट से दोस्तों एक बार फटाफट से जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया एक बार फटाफट जोरदार शेयर मारेंगे और क्या करेंगे लाइक करेंगे फटाफट से यहाँ पे तो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा तो दोस्तों दोस्तों थर्ड किससे है है जल्दी से बताइए कि नहीं जल्दी से बताइए अफर्मेशन मतलब दोस्तों ठीक है फिर फर्स्ट किससे है दोस्तों यूनियन टेरिटरी से फोर्थ किससे है दोस्तों जल्दी से बताइए राज्यसभा सीट क्या दोस्तों राज्यसभा सीट ठीक है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा इज द टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन इंडिया आपको बताना है भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है जल्दी से बताएंगे भैया यहाँ पे दो लाख छाछ हजार तीन लाख पचपन हजार के ऊपर चार लाख पचपन हजार के ऊपर और एक लाख पचपन हजार के ऊपर भैया ग्राम पंचायत पूछा है अपने भारत में ये वैल्यू तो भाई तभी आएगी जब आपने इसको पढ़ा होगा और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे के पूरे बनते हैं जल्दी से बताएंगे यहाँ पे कह रहे सर ऑप्शन नंबर तीन लगा रहे हैं तुक्का लगा रहे कह रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे तुक्का मत लगाइए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन दो लाख छाछठ हजार तीन सौ अंठावन यहाँ पर अपने पास ग्राम पंचायत है भारत में ठीक है कितने दो लाख छाछठ हजार तीन सौ अंठावन ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज प्रोटेक्टेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंटरनेट एक्सेस करने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में तहत दिया हुआ है आर्टिकल 20 19 16 और 29 जल्दी से बताएंगे यहाँ पे कह रहे सर 19 19 19 तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आर्टिकल 19 दोस्तों राइट टू फ्रीडम जिस तरीके से है उसी तरीके से यहाँ पे क्या-क्या दिया हुआ जल्दी से बताइए मैप क्या पढ़ा था दोस्तों हमने मैप आर एस यही शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी 19 के लिए मूवमेंट है, है आप मूव कर सकते हो इंडिया में कहीं भी असेंबली फॉर्म कर सकते हो ठीक है कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हो आप ठीक है कहीं भी रेसिडेंस कहीं भी रह सकते हो कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो और कोई भी स्पीच मतलब आपको पावर दी गई आप कुछ भी बोल सकते हो ठीक है आगे बढ़े मैप आर एस से याद किया था अगला क्वेश्चन आप सामने

यहाँ पे कह रहे सर ऑप्शन नंबर टू होना चाहिए मुंशी मुंशी कह रहे हैं कुछ लोग सी कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है होर मास्टी याद रखिएगा होर मास्जी मोदी ठीक है आगे बढ़े फोर्थ ऑप्शन अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा हु अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करते हैं या सर्वोच्च न्यायालय करता है या फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री या फिर यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश जल्दी से बताएंगे सभी लोग यहाँ पे कह रहे सर राष्ट्रपति राष्ट्रपति दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का नहीं करते हैं ठीक है याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति किसका नहीं करते तो वाइस प्रेसिडेंट का नहीं करते हैं अगला प्रश्न आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी बॉडी निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक निकाय है कैग फाइनेंस यूपीएससी या फिर एन जल्दी से बताएंगे कौन संवैधानिक निकाय है यहाँ पे जल्दी से बताना है यहाँ पे कह रहे हैं सर ए ऑप्शन होना चाहिए कुछ लोग कह रहे हैं सर डी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है एन दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये याद रखिएगा ठीक है यहाँ पे दोस्तों कैक कौन से आर्टिकल में एक में है फाइनेंस किस में दोस्तों फाइनेंस है दो में और यहाँ पे यूपीएससी किसमें है तीन में चले आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा ट uh, और छिहत्तरवा अमेंडमेंट यहाँ पे कह रहे तिहत्तर तिहत्तर तिहत्तर, तिहत्तर तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा सेवेंटी थर्ड करेक्ट होगा किस ईयर में हुआ था दोस्तों

लाला लाजपत राय जी ने किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी ने यहाँ पे कह रहे सर महात्मा गांधी महात्मा गांधी दोस्तों करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर क्या है है पे महात्मा गांधी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने एस पर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑल द हाई कोर्ट इन द कंट्री भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है थ्री ट्वेंटी नाइन वन थ्री फोर्टी एट वन थ्री हंड्रेड फिफ्टीन वन और थ्री थर्टी सिक्स वन जल्दी से बताएंगे यहाँ पे थ्री फोर्टी एट वन होना चाहिए कुछ लोग कह रहे सर थ्री तो थर्टी आंसर क्या है one है ऑप्शन नंबर टू है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों वेरी गुड यहाँ पे यूरो फाइटर रितिका, अनिमेश देव पवन विक्रांत बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा टोटल नंबर ऑफ भैया राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है है 242 245 250 और 240 जल्दी से बताएंगे यहाँ पे पे हाँ जी 348 पिछले का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कह रहे ऑप्शन नंबर थ्री कुछ लोग कह रहे सर 250 कुछ लोग कह रहे 250 250 245 भी कह रहे। यहाँ पे करेक्ट आंसर ठीक है, है? है वो आपकी टू है दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने Which one of the following is the best defines the concept of judicial review? define judicial review. को. Option number one the power of the judiciary to amend the laws which are violated, violative of the principle laid out in the constitution. The proactive role played by the judiciary in protection of the right of the citizens. Yeah, the power of the judiciary to examine the constitutionally legislative enactment. The active role played by the judiciary in guiding and regulating the executive organ. ऑप्शन नंबर बी 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 तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री? यहां पे बहुत से लोग करेक्ट दे रहे हैं राहुल रमानी क्या बात है यूरो फाइटर ओ भाई क्या बात है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो आपको लगते थोड़े बड़े हैं लेकिन एग्जाम को टफ बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है अगला प्रश्न आपके सामने

इंक्यावन ए नहीं था दोस्तों वो इन्क्यावन है इन्क्यावन ए में दोस्तों ड्यूटी है। क्या होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग कब आया दोस्तों एक जनवरी 2015 को आया कब आया किसको रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को किसको किया प्लानिंग कमीशन कब रिप्लेस किया 2014 में ही खत्म कर दिया इसको ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों थिंक टैंक कहते हैं शार्क टैंक मत कहिएगा दोस्तों इसको ठीक है नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों क्या है कौन है इसके चेयरमैन भैया पीएम है कौन है पीएम है वाइस चेयरमैन कौन है यहाँ पे राजीव कुमार कौन है दोस्तों राजीव कुमार और आपके कौन है सीईओ कौन है अमिताभ कंत कौन दोस्तों अमिताभ कंत ठीक है आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न विच आर्टिकल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट ईच इंडियन स्टेट विल दिट्यूशन गवर्नर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा आर्टिकल एक सौ बावन एक सौ चौवन एक सौ तिरपन और एक सौ इक्यावन यहाँ पे कह रहे हैं एक सौ तिरपन यहाँ पे कह रहे हैं एक सौ तिरपन तिरपन कुछ लोग चौवन कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है एक सौ तिरपन यहाँ पे करेक्ट आंसर है अच्छा दोस्तों एक बात बताइए मुझे कौन से संशोधन के तहत अमेंडमेंट के तहत ये कहा गया था कि एक राज्यपाल जो है वो दूसरे राज्य का या फिर एक से ज्यादा राज्य का राज्यपाल बन सकता है कौन से संशोधन से कहा गया था जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट फड़ से ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई आपको बताना है किस संशोधन के तहत ये कहा गया कि एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्य का राज्यपाल बन सकता है सिंटू ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया क्या बात है सिंटू वेरी गुड और बाकी लोग क्या कह रहे हैं नहीं 24th नहीं है अमेंडमेंट वेरी गुड पूजा ने करेक्ट बताया प्रिंस एम वेरी गुड सेवेंथ अमेंडमेंट दोस्तों सेवेंथ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल शेड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विदोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद अनुसूचियों में से कौन सी जिला परिषदों को स्वायत्ता प्रदान की आ, करती है शेड्यूल आर्टिकल और शेड्यूल पे फटाफट -फड़ बताएंगे और दोस्तों एक बार जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया एक बार क्या करना है फटाफट -फड़ से शेयर करना है और लाइक करना है दोस्तों यहाँ पे सौ क्वेश्चनों का क्या करना है तांडव मतलब साठ मिनट में हमें दोस्तों सौ प्रश्न कंप्लीट करने, है, करने हैं रिविजन करने हैं और अगर दोस्तों गलती हो रही है तो उसको क्या करना है नोट डाउन करना है जहां पर आपने गलती की है जिससे आप उस क्वेश्चन को वापस से रिवाइज कर सको क्योंकि जो बन रहे है, वो तो आपको ऑलरेडी याद है ठीक है यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर के साथ जा रहे हैं दोस्तों दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर शेड्यूल शेड्यूल क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन हाँ जी यहाँ पे सूरज ने करेक्ट आंसर दिया है बप्पी ने दिया है आकांक्षा नहीं फोर्थ नहीं है डेंजर स्टार चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा ज द लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया स्वतंत्रता के बाद के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे के एम मुंशी एस पी मुखर्जी बलदेव सिंह और बी आर अम्बेडकर फटाफट से बताएंगे यहां पर बताना है बाबा साहेब अम्बेडकर जी कब पैदा हुए थे दोस्तों एटीन नाइनटी वन में हुए थे ठीक है थे? महू जिले में कहाँ पे है महू जिला दोस्तों यह एमपी में ठीक है आगे बढ़े इनको दोस्तों फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्या कहते हैं दोस्तों फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है ये एक ऐसे मेंबर थे जो जिन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन अटेम्प्ट किया था 1930 का 31 का और 32 का एक ठीक है अगला क्वेश्चन आप सामने स्टेट लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश हिंदी को उत्तर उत्तर प्रदेश के राजभाषा का घोषित कब किया गया उन्नीस सौ छियालीस सैतालीस अड़तालीस सौ पचास फटाफट से बताएंगे दोस्तों कब घोषित किया गया यहां पे कह रहे हैं जल्दी दोस्तों कॉन्फिडेंस के साथ स्पीड बढ़ाइए क्योंकि अब एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए आपको जिससे आप एग्जाम में जब क्वेश्चन देखो तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि एक बार में फटाफट से देखते हुए चले आओ क्योंकि अब लेवल का बढ़ रहा है दोस्तों तो आपको सरल क्वेश्चन फटाक से करने होंगे और फिर उसके बाद आपको टाइम देना होगा यहाँ पे 1950 कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर उन्नीस टू करेक्ट आंसर है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा मेंबर्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं जुडिशरी के लिए हाउस ऑफ पीपल काउंसिल ऑफ स्टेट या प्रेसिडेंट के लिए फटाफट से बताएंगे जल्दी से लोकसभा कह रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों हाउस ऑफ द पीपल हाउस ऑफ द पीपल कौन सा होता है दोस्तों लोकसभा होता है क्या जल्दी से कंफर्म करिए आगे बढ़ते हैं लोकसभा में दोस्तों मैक्सिमम सीट कितनी है 550 है पहले 552 थी लेकिन 104th अमेंडमेंट के तहत ये कहा गया कि जो दो एंग्लो इंडियन को नामांकित या मनोनीत करते थे राष्ट्रपति अब वो नहीं किए जाएंगे ठीक है अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द मेंबर ऑफ जिला पंचायत निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत के सदस्यों में शामिल है member of legislative assembly member of legislative council member of lok sabha or all of the above चलिए देखते हैं इसमें किसका करेक्ट आंसर होता है और दोस्तों यहाँ पर अभी हम 321 लोग लाइव है फटाफट फड़ से क्या करना है शेयर करना है सभी लोगों को और लाइक करना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है यहाँ पे कह रहे सर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव फेवरेट ऑप्शन ऑल ठीक है

नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट दो हजार दो और ये दो हजार तीन है दोस्तों फटाफट पड़ बताएंगे अमेंडमेंट लेकिन दोस्तों 2002 2003, दो हजार दो या दो हजार तीन दो ऑप्शन है दो हजार दो दिया है तो यहाँ पे कह रहे नाइनटी फर्स्ट कुछ लोग कह रहे सर एट्टी नाइन्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट ठीक है टू थाउजेंड टू ठीक है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा वेरी गुड एम अगला प्रश्न एज पर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया दो हजार दो वॉट शुड बी दोजीशन ऑफ द इंडियन फ्लैग इट इज डिस्प्लेड द द ऑफ अदर कंट्रीज इन स्ट्रेट लाइन भारत के ध्वज संहिता संहिता 2002 के अनुसार जब भारतीय ध्वज को अन्य देशों के झंडों के साथ एक सीधी रेखा में प्रदर्शित किया जाता है तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए एनी वेयर इन द रू एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट या इन द मिडल जल्दी से बताइए भैया यहाँ पे बताना है राइट कह रहे हैं दोस्तों सभी लोग राइट हैंड राइट हैंड तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ करेक्ट आंसर होगा एक्सट्रीम राइट दोस्तों जैसे मान लीजिए बहुत सारे कंट्रियों के फ्लैग फ्लैग लगे हुए तो हमारा जो फ्लैग होना चाहिए वो सबसे राइट में होना चाहिए या हमारे कौन कहता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 कहता है अगला प्रश्न विच अमेंडमेंट एक्ट 2017 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन नेसेसरी फॉर यहाँ पे बताना है संविधान के किस संशोधन अधिनियम में जीएसटी व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रावधान है? है सर वन जीरो वन तो ठीक है दोस्तों ठीक तो है, है, दोस्तो? है क्या दोस्तों जल्दी से एनसीबीसी है क्या दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तो 103 में क्या है दोस्तों जल्दी से बताइए में में फिर क्या क्या तो क्या है 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 पे तो सर बोले कि Anglo -Indian को जो हम देते थे क्या करते थे करते अब वो हटा दिए ठीक है, दो सीट आगे बढ़े अगला क्वेश्चन फॉर्म्स ऑफ अफर्मेशन आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की डैश अनुसूची के शपथ या पुष्टि के पत्र शामिल है थर्ड सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ फटाफट फड़ से और दोस्तों एक बार फटाफट फड़ से शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है क्या करेंगे लाइक करेंगे फटाफट फड़ से यहां पे कह रहे सर ऑप्शन नंबर थ्री होना चाहिए ये बिल्कुल भैया यहां पे करेक्ट आंसर क्या है थर्ड 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 मतलब ऑप्शन नंबर वन ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडिया डीलियमेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर फोर भारत के संविधान का निम्नलिखित में शक्ति एट और बताएंगे आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट थ्री सिक्सटी एट कह रहे दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट यहाँ पे करेक्ट आंसर है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ Which of the state has a में से किस राज्य में एक द, एक होता है, एक होता है. दोस्तों क्या होता है बायरिज्म वो है जो द्वि सदनी हो द्विदनी जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो ठीक है यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों एमपी एम पी इज द करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश

लाइक like करेंगे दोस्तों क्योंकि रात के जीके के जीके जगराता में जगराता सबको करना है ठीक स्टेट, स्टेट है अगला तब प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश बाय एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड योजना आ, आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी निर्माण सॉरी निर्णय द्वारा डैश में की गई थी 1955, 45, 60 और जल्दी से बताइए तीन में वेतन नहीं है दोस्तों वेतन आपका सेकंड में है ठीक है फर्स्ट में यूनियन टेरिटरी है शेड्यूल में सेकंड में क्या है सैलरी है जिसको हम कहते हैं थर्ड में आपके अफर्मेशन है सॉरी हाँ अफर्मेशन जिसको हम कहते हैं ओथ ठीक है हाँ जी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा उन्नीस क्या होगा उन्नीस सौ यहाँ पे करेक्ट आंसर है पचपन नहीं है दोस्तों पचास इज द करेक्ट आंसर ठीक है अनिमेश बहुत बढ़िया रोर वेरी गुड चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न वॉट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इक्वेलिटी समानता का तत्व नहीं है जस्टिस रिलीजन वेल्थ और हेल्थ फटाफट -फड़ से बताएंगे यहाँ पे समानता का एलिमेंट तत्व नहीं है जल्दी से बताइए फोर कह रहे हैं राहुल अच्छा हेल्थ कह रहे हैं ऋतु राज कह रहे हैं सर ऋतु राज फोर 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 तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है रिलीजन भैया क्या है रिलीजन ठीक है याद रखेंगे चले आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फटाफट फड़ से यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा प्रतिज्ञान से संबंधित है आर्टिकल छाछठ साठ संतावन और चौवन फटाफट फड़ से जल्दी से बताएंगे

विद्याधर गोविंद ओक या फिर विधुभूषण मलिक या वशिष्ठ भार्गव दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं अभी तो ये इलाहाबाद कोर्ट का पूछा गया है आपसे पूछा जा सकता है कैलकाता कोर्ट का या फिर और अदर कोर्ट का दोस्तों सबसे पुराना अगर मैं कोर्ट कहूं तो वो कौन सा है ओल्डेस्ट जो है वो है कोलकाता कौन सा दोस्तों कोलकाता हाई कोर्ट है और अगर न्यू की बात करूं न्यू की तो दोस्तों वो है कौन सा आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट याद रखेंगे ठीक है हाँ जी बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विधु भूषण मलिक क्या है ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड संजीवनी ठीक है आ, सूरज बहुत बढ़िया चले आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बेस्ट सेफ गार्ड द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राजनीतिक लोकतंत्र के विचार की सबसे अच्छी सुरक्षा करती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जल्दी से बताएंगे और दोस्तों एक बार फटाफट से क्या करेंगे शेयर करेंगे और लाइक करेंगे क्योंकि अभी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन दोस्तों स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी रिक्वायर रहेगी इसलिए मैं कह रहा हूं कितने भी क्वेश्चन सही हो आपको कमेंट करके बताना है जिससे आपको हमेशा याद रहे कि मैंने यहां पे कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत और जो गलत किए हैं उसको आपको याद रखना है ठीक है रिवाइज करना है यहाँ करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों फंडामेंटल राइट है ठीक है कौन से, article से, article 12 से, 30, से लिया गया है यूएसए से लिया गया है चलिए आगे बढ़े अगला प्रश्न विच अब फॉलोइंग इंडिया इज कलेक्टेड बाय पंचायत भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायतों द्वारा वसूल किया जाता है

हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया लेजिस्लेचर भारत में कितने राज्यों में द्विसदनी विधायिका है चार पांच छ और आठ जल्दी से बताइए रॉकी कह रहे सर फेवरेट ऑप्शन ऑल है ठीक है श्रेया बहुत बढ़िया यहाँ पे महादेव कह रहे सर वन ऑप्शन होना चाहिए कुछ लोग छह जा रहे हैं यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है छह करेक्ट आंसर है वेरी गुड आगे बढ़े अगला प्रश्न लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एन एफर्ट इन स्थानीय स्वशासन को डैश में एक प्रयास के रूप में समझाया जा सकता है डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन बहुत सिंपल सा आंसर आसानी से दिया जा सकता है

और दोस्तों एक बार फटाफट से क्या करेंगे शेयर करेंगे और लाइक करेंगे जल्दी जल्दी से यहाँ पे कह रहे सर सिक्स वन सिक्स वन तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर है छह महीने में ठीक है अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा डैश वाज़ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया डैश भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोरा एम एस गिल टी एन सी सान यशू कुमार सेन दोस्तों पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की जा रही है चीफ इलेक्शन कमीशन दोस्तों कब बनाया गया था 1950 में बनाया गया था और पहली बार इलेक्शन कब हुए थे दोस्तों 1952 में हुए थे 1951 52 में ठीक है सुकुमार सेन बिल्कुल पहले यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे अभी कौन है दोस्तों एनवी रमणा कौन है दोस्तों एनवी रमणा है अभी ये याद रखेंगे सॉरी एन वी रमना तो क्या है चीफ जस्टिस है अभी कौन है सुशील चंद्रा कौन है दोस्तों सुशील चंद्रा है किसकी हम बात करें चीफ इलेक्शन की ना तो सुशील चंद्रा है ये तो चीफ जस्टिस है एनवी रमणा रमना ठीक है आगे बढ़े एनवी रमणा रमना नहीं है दोस्तों एनवी रमणा रमना नहीं है एनवी रमणा रमना नहीं है ठीक है हाँ जी चलिए आगे बढ़ते सब लोग फ्लो फ्लो में बोल दो तो मेरे साथ है ना सही है बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन

में यहाँ पे कौन सा है जल्दी से बताएंगे और दोस्तों सभी से से है है एक बार फटाफट क्या फड़ क्या करेंगे 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 शेयर जिन्होंने अभी तक नहीं किया और जो है दोस्तों, में है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जल्दी से बताएंगे यहां पे कह रहे हैं सर हाँ, फॉरेस्ट पिछले का सही है आदित्य बिल्कुल सही है दिनेश कह रहे हैं सर पीएम होना चाहिए रितुल कह रहे हैं सर पीएम कुलदीप पीएम के साथ रामानी कह रहे हैं सर पीएम तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री आर्टिकल किसमें दोस्तों आर्टिकल पचहत्तर में मेंशन है प्रधानमंत्री ठीक है चले आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ये दोस्तों अपन ने कर लिया है फिर भी बताइए नहीं नहीं ये नहीं किया है चलिए सीआर आर राजा गोपालचार्य राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू फटाफट फड़ बताएंगे वेरी गुड पचहत्तर 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 बता रहे हैं दोस्तों फटाफट फड़ से

दोस्तों यहाँ पे फटाफट फड़ से लाइक करेंगे और यहाँ पर अभी हम लाइक पर हैं इसको 300 कर लेते हैं रोहित शर्मा बन जाते हैं ठीक है फटाफट से यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर आ रहा है भाग चार तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा भाग चार यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भाग चार आ किससे है फंडामेंटल ड्यूटी से है, है दोस्तों भाग पांच किससे दोस्तों यह है यूनियन से किससे दोस्तों यूनियन से भाग छह क्या ऑन सा है स्टेट है दोस्तों स्टेट भाग सात क्या, क्या है पार्ट सेवन को दोस्तों रिपील कर दिया गया है मतलब हटा दिया गया है ठीक है याद रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है आर्टिकल थर्टी नाइन थर्टी एट थर्टी सेवन और फोर्टी जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे

भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए पैतालीस अठहत्तर बावन और अंठानवे जल्दी से बताइए कौन सा आर्टिकल है यहाँ पे बावन 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 दिनेश ऋतिका सनातन ओके यूरो पूजा रोर रमानी हर्ष अनिमेश वेरी गुड आर्टिकल बावन अगला क्वेश्चन

यहाँ पे कह रहे सर राजस्थान नाइन चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विच ऑफ दर्टिकल ऑफ द इंडियन रिलेटेड गवर्नर भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल के संबंधित है आर्टिकल एक सौ अंठावन एक सौ छप्पन एक सौ तिरपन और एक सौ इकहत्तर फटाफट से यहाँ पे कह रहे हैं सर एक सौ तिरपन एक सौ तिरसठ कुछ लोग कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है एक सौ छप्पन है क्या है दोस्तों एक सौ छप्पन ठीक है एक सौ छप्पन वेरी गुड प्रसन्न चलिए बहुत तेजी से नाम जा रहे भाई किस यहाँ पे आगे बढ़ते हैं वैन वॉज द इलेवन फंडामेंटल ड्यूटी एडेड इन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में ग्यारहवें मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया 2002 में 2000 में 2005 में और 2010 में जल्दी से बताएंगे ग्यार मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया हमारे यहाँ पे मौलिक कर्तव्य में फटाफट फड़ से बताइए कुछ लोग कह रहे सर बी ऑप्शन कुछ लोग ए ऑप्शन 2002 2002 तो दोस्तों यहाँ पे 2002 करेक्ट है और वो ग्यारहवा मौलिक कर्तव्य कौन था दोस्तों आपको पता होना चाहिए एट्टी सिक्स अमेंडमेंट था कौन सा था यहाँ पे भैया कौन से जीरो से छह साल था क्या दोस्तों कि भैया छह से चौदह था बताइए फटाफट से कि इनको बच्चों को पढ़ाना है ये आपका मौलिक कर्तव्य है ठीक है डीपीएसपी में जीरो से छ यहां पे छह से चौदह ठीक है बहुत बढ़िया आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न अंडर विच आर्टिकल कैन बी डिक्लेयर इन इंडिया भारत में वित्तीय आपातकाल के अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है तीन सौ बावन तीन सौ छप्पन तीन सौ साठ और तीन सौ अड़सठ फटाफट से बताएंगे सभी लोग यहाँ पे कह रहे हैं सर चलिए फटाफट फड़ से बताएंगे बोले सर बारह बजे अरे बारह बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है फटाफट फड़ से आंसर करेंगे दोस्तों ठीक है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों तीन सौ साठ दोस्तों आज तक फाइनेंस अपने यहां इमरजेंसी नहीं लगी है तीन सौ बावन में दोस्तों कौन सी दी है नेशनल इमरजेंसी ये तीन बार लग चुकी है ठीक है याद रखिएगा और तीन सौ छप्पन में क्या दी हुई है प्रेसिडेंट रूल क्या दोस्तों प्रेसिडेंट रूल ठीक है अगला क्वेश्चन यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रिवेंट द होल्डर ऑफ द सर्टेन ऑफिसेस ऑफ द प्रॉफिट द एंडिसक्फिकेशन फॉर बींग चोजन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लाभ के कुछ पदों के धारकों के संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्यता को रोकता है प्रिवेंशन ऑफ द डिस्कालिफिकेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी 1959 जल्दी बताएंगे यहाँ पे ऑप्शन कह रहे हैं ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्कालीफिकेशन एक्ट 1959 फिफ्टी नाइन आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न विच आर्टिकल संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की आ, शमादान की राष्ट्रपति बा, तो के पास जाएगा और राष्ट्रपति को कहेगा राष्ट्रपति मेरा साथ दो भैया उसको साथ चाहिए कहेगा मेरा साथ दो मेरा साथ दो मेरा साथ दो मेरा साथ दो मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो ठीक है अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा। ये रहा आर्टिकल ऑफ़ ऑफ़ द द द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट पावर राजकीय प्रतीक क्या है भैया लायन कैपिटल ऑफ द सारनाथ वैशाली पिलर ऑफ अशोका इलाहाबाद स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शंस जल्दी से बताएंगे फटाफट फड़ से यहाँ पे कह रहे सर ए ऑप्शन ए ऑप्शन कुछ लोग कह रहे सी ऑप्शन दोस्तों पार्लियामेंट्री निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय और राष्ट्रीय पति शासन प्रणाली के बीच अंतर का आधार है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट और हेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी इन द लॉ मेकिंग और रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव फटाफट फड़ बताएंगे यहाँ पे कह रहे हैं सर सी कह रहे हैं रिम्पा दास ठीक है अनिमेष कह रहे हैं सर फोर यहाँ पे फोर फोर तो दोस्तों पे करेक्ट आंसर है फोर रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव ये याद रखिएगा ठीक है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्टेट भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यों से संबंधित है सेकंड, फोर्थ फर्स्ट और थर्ड दोस्तों फटाफट फड़ से आंसर कर देंगे सिंपल सा क्वेश्चन है छोड़ना नहीं है यहाँ पे कह रहे हैं डी ऑप्शन तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा फर्स्ट मतलब थर्ड ऑप्शन ठीक है थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 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 जिसमें आ रहा ठीक है? है. हाँ जी अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने राइट टू लाइवलीहुड एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार स्थापित किया गया था मेनका गांधी वर्सेस Union of India, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंदिरा सानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया उन्नीस सौ बानवे उन्नीस सौ छिहत्तर ओलगा तेलिस बॉम्बे म्यूनिशिपल कॉर्पोरेशन बी एम सी यहाँ पे कह रहे सर फर्स्ट होना चाहिए अच्छा पिछले का बोल रहे हो फर्स्ट है ठीक है यहाँ पे बताइए दोस्तों ए ऑप्शन ठीक है दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर बी वर्सेस बीएमसी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन्नीस ठीक है आगे बढ़े अगला प्रश्न आपके सामने हु कंट्रोल ओवर द पेमेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि भुगतान पर किसका नियंत्रण है सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर दोस्तों फटाफट से बताएंगे दोस्तों कंसोलिडेट फंड से दोस्तों क्या मिलती है सैलरी मिलती है जो सेंट्रल पे लेवल पे होते पोस्ट पे और जो होती है दोस्तों वो के लिए यूज होती है दो फंड होते हैं कंसोलिडेट और कंटिजेंसी ठीक है यहाँ पे दोस्तों बोल रहे हैं ए ऑप्शन तो यहाँ पे कह रहे हैं दो बी ऑप्शन तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन पार्लियामेंट पार्लियामेंट के अंदर दो, दोस्तों कौन कौन आता है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट

यहाँ पे ऑल कह रहे हैं कुछ लोग जल्दी से बताएंगे हशीरा कह रहे हैं मेरा नाम हशीरा ऐसी बात नहीं है अपन को करेक्ट आंसर देना है नाम लेना तो सिर्फ एक है तरीका कि भाई आप लोग पहले आंसर दे रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं बाकी तो सही जो दे रहे हैं उनको तो यहां आंसर पता चल रहा है हमें फोकस करना है करेक्ट आंसर पे ठीक है यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा

भाई सिंपल सा क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया पिछली बार नाइन बी देख के भी आपने सही कर दिया उसको करेक्ट कैसे हो गया यहाँ पे कह रहे सर थ्री अनलिमिटेड अनलिमिटेड दोस्तों कितनी बार भी राष्ट्रपति बन जाइए अगर आप कितने साल के हो गए हो पच्चीस साल के हो गए हो तो लोकसभा के लिए फाइट करिए अगर आप तीस साल के हो गए हो तो राज्यसभा के लिए करिए अगर आप पैंतीस साल के हो गए हो तो राष्ट्रपति के लिए करिए इक्कीस साल के हो गए हो तो पंचायत के लिए करिए अगर बोले सर मैं अठारह साल का हूँ तो दोस्तों कोई बात नहीं अठारह साल में सिर्फ वोट दीजिए किसी के लिए मत खड़े हुई ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ द जुडिशन ऑफ द इंडियन पेनल कोड एट द सी एक्सटेंड टू भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्रीय अधिकार तक फैला हुआ है नॉटिकल नॉटिकल माइल, माइल, माइल और माइल फटाफट बताइए जल्दी से दोस्तों यहाँ पे ट्वेल्व नॉटिकल माइल कह रहे हैं बाकी लोग यहाँ पे बारह कह रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ट्वेल्व नॉटिकल माइल ठीक है अगला प्रश्न द गवर्नमेंट ऑफ headed इंडिया head, द लायन पिलर है टॉरस चक्र एंड हॉर्स ऑफ द नेशनल emblem. को चक्र और यहाँ पर अश्वयुक्त तो प्रतीक के रूप में भारत सरकार हुआ है। दो अक्टूबर चौबीस जनवरी उन्नीस सौ उनचास छब्बीस जनवरी उन्नीस जनवरी पचास और पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस फटाफट से बताएंगे कह रहे सर चौबीस जनवरी कुछ लोग कह रहे सर छब्बीस जनवरी दोस्तों यहाँ पे आंसर है छब्बीस जनवरी ठीक है आगे बढ़ते हैं मैटर्स रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर डाउन संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय संसदीय विशेष अधिकार से संबंधित मामले निर्धारित किए गए हैं आर्टिकल तीन सौ इकतीस एक सौ पांच एक सौ आठ और सॉरी आर्टिकल इक्यासी फटाफट बड़ बताएंगे एलिमिनेशन कर लीजिए दोस्तों इसको तो बड़ा सिंपल सा है एलिमिनेशन कैसे इक्यासी में पता है दोस्तों लोकसभा है बहुत बढ़िया एक सौ आठ में ज्वाइंट सिटिंग सबका साथ एक सौ आठ ठीक है यहाँ पे बसता क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर है आर्टिकल एक सौ पांच ठीक है अगला क्वेश्चन के तहत परिवार न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है सेक्शन सेवन सेक्शन ट्वेंटी जल्दी से बताएंगे और दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से क्या करेंगे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे

चलिए यहां आगे बढ़ते हैं करेक्ट आंसर लाल बहादुर शास्त्री अगला क्वेश्चन हु इज द मेंबर ऑफ द कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए समिति सदस्य कौन नहीं है स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द लोकसभा सॉरी हाउस ऑफ द पीपल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल स्टेट यहां पे लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट यहाँ पे डी ऑप्शन कह रहे हैं कुछ लोग सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर कुछ लोग ए कह है रहे हैं दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट ठीक है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आपके सामने आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द वॉटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स ऑफ द रिवर वैली भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के लिए न्याय निर्णय uh, से संबंधित है आर्टिकल दो सौ इकसठ दो सौ साठ दो सौ उनसठ और दो सौ बासठ यहाँ पे बी ऑप्शन कह रहे सर दो सौ साठ दो सौ साठ तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर दो सौ बासठ आर्टिकल टू सिक्सटी टू टू सिक्सटी टू इज द करेक्ट आंसर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने द द द नंबर नंबर ऑफ ऑफ मेंबर्स इज लोअर हाउस एज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज भारत के संविधान द्वारा uh, परिकल्पित निम्न में से सदनों में से सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है पांच सौ बावन पांच सौ तीस पांच सौ सॉरी पांच सौ बयालीस पांच सौ बावन और पांच सौ पैतालीस जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट फड़ से हमने बताया ठीक है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो दोस्तों ये पांच सौ बावन दोस्तों ये पुराना आंसर है अभी कितनी हो गई है पांच सौ पचास हो गई है याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़े ओ हो 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 यहाँ पे समय होता है समाप्त जहां पे हमने दोस्तों आज क्या किए राजनीति मतलब पॉलिटी के सारे क्वेश्चन ऐसे ही दोस्तों हर रोज रात ग्यारह से बारह क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे पूरे जिससे सारा का सारा रिवीजन हो जाए और जब हम एग्जाम सेंटर पर बैठे तो हमें यहाँ पे बनना चाहिए तो पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाना है जो लोग नहीं जुड़े हैं गौरव मौर्य सर टेक्स बुक कहां पे जुड़ेंगे दोस्तों गौरव मौर्य सर टेक्स बुक आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे वहां पे आपको सारे पीडीएफ और क्विज़ेस मिल जाते हैं और अपने फ्रेंड के साथ आप वहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हैं और दोस्तों इस वीडियो के बाद मतलब इस क्लास के बाद सभी लोग कमेंट बॉक्स पे जाके क्या करेंगे कमेंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन उनके सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए तो दोस्तों आप यहीं पे इसको समाप्त करते हैं और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो क्या करना है लाइक like करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है और जी हां आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन टू डेट मिलती रहे तो दोस्तों कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ एक नए जुनून के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा पढ़ाई करते रहेगा आपका दोस्त आपसे अलविदा लेता है जय हिंद जय भारत